हेलो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिल्ली करियर ग्रुप। माय नेम इज़ रोहित, जीके फैकल्टी। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी तो लाइफ में डिसाइड जरूर करना किया होगा या कर चुके होंगे या अभी आपको करना है कि कैरियर कैसे चुनना है। जी हाँ, कैरियर एक वो वर्ड है या वो शब्द है जिसको माइंड में सुनकर कई बार हम टेंस भी हो जाते हैं या खुश भी हो जाते हैं या डिसाइड करना पड़ता है कि हमें लाइफ में आगे जाके करना क्या होता है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कैरियर के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर। लाइफ में कहीं ना कहीं पर हम डिसाइड भी कर लेते हैं कि हमें आगे चल के अपनी लाइफ के अंदर अपने इस प्रोफेशन को चुनना है। 10th में प्लस वन प्लस टू के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में प्रेशर रहता है कि किस कैरियर को चुने, क्योंकि सही कैरियर चुनना ही आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य के, आपकी लाइफ को बिल्कुल सेटअप कर सकता है। अगर आपने डिफेंस सेक्टर को अपना कैरियर चुना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर हमारे पास लगातार कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आज इस पूरे सेशन में कोशिश करूंगा कि आपको उन्हीं सभी कोर्सेज के बारे में बताऊं या किस टाइम पर आप किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उसके लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर आपका काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस कोर्स को हमें कब अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा आज के सेशन में आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी साल में 2 बार इसके एग्जाम को कंडक्ट करता है और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी एग्जाम को देते हैं। तकरीबन हर साल 4 से 5 लाख स्टूडेंट इसके एग्जाम को देते हैं, क्योंकि इसमें हमारी तीनों कैटेगरीज एक साथ आ जाती हैं, आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया सेट किया हुआ है यूपीएससी ने, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जो इसका एज क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वो है आपका 16.5 से 19 साल के बीच में। और आप इसको प्लस टू के बाद या प्लस वन के बाद भी इसको दे सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस टू आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और स्पेशली जो आपका एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम होता है उसके लिए आपके पास पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी होता है। और जो इसके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं वो जून एंड दिसंबर के आसपास इसके फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि यूपीएससी साल में इसके एग्जाम को 2 बार कंडक्ट करता है, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्यू टू कोविड के कारण इस बार आपका एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड जो एग्जाम हुआ एक साथ कंडक्ट किया गया है। बट जैसे ही सिचुएशन हमारी नॉर्मल होगी, ठीक होगी, यूपीएससी अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स के द्वारा इसको दोबारा से रीशेड्यूल करके, जैसे साल में लेता है टाइम देके, आपको उसी हिसाब से इसको कंडक्ट करना भी स्टार्ट कर देगा। सेकंड बात करते हैं, सेकंड आता है आपका टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्सेज, जो इसके लिए एज है, इसके लिए भी एज आपके पास 16.5 से 19 साल सेट की हुई है यूपीएससी ने। और इसके लिए भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट होती है 10+2 विद 70% मार्क्स फॉर्म में, 70% मार्क्स इसमें आपके पास होने चाहिए। और जो इसके फॉर्म्स होते हैं वो तकरीबन अक्टूबर में अवेलेबल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको ये डेट्स बता रहा हूँ ये आपकी इस सिचुएशन आने से पहले तक की के फॉर्म्स की मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, कि यूपीएससी ने हर साल अपने कैलेंडर जारी करता है जिसमें वो सारी डिटेल देता है कि किस महीने के अंदर आपका कौन सा फॉर्म अवेलेबल होगा और उसका एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट किया जाता है। तो ये आपकी यूपीएससी की ही फॉर्म्स के अंदर चलता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड आती है आपकी IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और ये नॉन टेक्निकल की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया सेट किया हुआ यूपीएससी ने वो है था आपका 19 से 24 साल का, और उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है आपकी आईएमए के लिए आपकी ग्रेजुएशन। और इसके जो फॉर्म्स यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपके पास मई, जून और नवंबर, दिसंबर में अवेलेबल हो जाते हैं। फोर्थ आता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल, और इसमें भी आपकी जो एज है वो एज है आपकी 19 से 25 साल, और क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपसे ये उन कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि आप अपनी प्लस टू के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप डिफेंस सेक्टर को अपना कैरियर चुनते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए इसके फॉर्म कब निकलते हैं, इसकी एज लिमिट क्या होती है, ताकि आप डिफेंस कैरियर में अपनी लाइफ को बिल्कुल सेटअप कर सकें। बात करते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल, और ये जो कैटेगरीज होती है ये आपकी मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होती है। इसमें जो एज क्राइटेरिया सेट किया गया है यूपीएससी के द्वारा वो है आपका 19 से 27 साल का, और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बीटेक इन एनी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, एमएससी कंप्यूटर, और यूपीएससी इसको भी साल में 2 बार इसका एग्जाम को कंडक्ट करता है। और जो इसका नोटिफिकेशन होता है वो एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटिंग AG
और दिसंबर जनवरी और जून जुलाई में इसके फॉर्म्स निकलते हैं। तो जैसे ही अब आपकी सिचुएशन ये कोविड की द्वारा से नॉर्मल होगी तो यूपीएससी इसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करेगा और हर नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम आपके पास अवेलेबल करवाता चला जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है आपका सिक्स्थ यानी एनसीसी, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीसी क्या होता है। कॉलेज में स्कूल में एनसीसी के कोर्स हर कोई करवाने के रेडी रहता है, उसका बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और ये भी आपकी जो एनसीसी होती है मैन वुमेन दोनों कैटेगरीज के लिए एलिजिबल होती है। और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 19 से 25 साल। और इसमें क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स और ए और बी ग्रेड विद एनसीसी सर्टिफिकेट, और जो सी सर्टिफिकेट होता है वो तो इसके अंदर सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट माना जाता है। बात करते हैं सेवन पॉइंट आता है आपका टीजीसी, जिसको बोलते हैं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज, और इसके लिए एज क्राइटेरिया सेट किया गया है 21 से 27 साल का और क्वालिफिकेशन आपकी वही बैचलर इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग या बिल्ड आर्किटेक्ट और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी इसमें जो कैंडिडेट होते हैं टीजीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जज, जिसको बोलते हैं जज एडवोकेट जनरल यानी जेएजी, और ये मैन वुमेन दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है और इसमें जो आपकी एज होती है वो तकरीबन आपकी 21 से 27 साल की एज क्राइटेरिया इसमें सेट किया गया है। क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट एलएलबी विद 55% मार्क्स रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके लिए कंपलसरी किया हुआ है। और जो इसके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए वो आपके जनवरी और फरवरी के अराउंड बार निकल जाते हैं। यूईएस यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूसली यूपीएससी इसके एग्जाम को कंडक्ट करता आ रहा है। इसके लिए एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 24 साल का और प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग के प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं 8 सेमेस्टर में होते हैं वो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीडीएस, जिसको बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। एज इसके लिए आपकी 19 से 24 साल आती है, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएशन आ जाती है और ये आपकी तीनों एकेडमीज के लिए कंबाइंड की जाती है, इसलिए इसको सीडीएस बोला जाता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो मैंने आपको बताया है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एज इसमें 19 से 24 साल। नेवल अकेडमी एनए, इसमें भी आपकी जो डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंपलसरी की हुई है। एएफए यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी एज है 20 से 24 साल और इसमें भी आपकी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इसमें आपका कंपलसरी किया हुआ है प्लस टू के अंदर। और लास्ट नॉट द लीस्ट एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती है, ये स्पेशली होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसको हम बोलते हैं एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसमें भी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं आजकल, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं ये इसके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मानी जाती है। और जो इसका एज क्राइटेरिया है वो 17 से 25 साल का बोला गया है, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएशन के बाद भी आप बीएससी नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं और प्लस टू के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस टू में के बाद अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी कंपलसरी की हुई है। तो स्टूडेंट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके कैरियर में आपको जरूर कैरियर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट जरूर करेंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आपके कैरियर को एक बिल्कुल सही डायरेक्शन देता है। और दिल्ली कैरियर ग्रुप में हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम आपको टाइम टू टाइम एक वो अपडेट दें जो आपके कैरियर में कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प आउट करे। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपको उन चीज़ों के बारे में पता चला होगा। अगर आप कहीं भी अपने लाइफ में कैरियर को लेकर परेशान होंगे कि आपको किस सेक्टर को चुनना है, अगर आप डिफेंस सेक्टर को चुनते हैं तो किस स्ट्रीम में मैं अप्लाई करूं, तो ये जो आज का सेशन है ये आपको जरूर हेल्प आउट करेगा। और हमारी कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट सेक्शन में भी हम आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए ताकि आपको कहीं भी कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो होप सो दिस इज फॉर द टुडे सेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।